चलिए बात करते हैं प्रचंड अशोक की, जहां पर हल्दी हो रही है कौरव की। लेकिन आप जानते हैं ना कि कौरव की जहां होंगी वहां थोड़ा बहुत हंगामा तो बनता है। अशोक को जरा देखिए, वो अपनी हल्दी में ही कितना खुश हो रहा है, क्योंकि आज उसकी माँ आ गई है हल्दी लगाने के लिए। बस खुशी का माहौल बनने ही वाला था कि कौरव की आ गई, और आते ही उसने जो गुस्सा दिखाया ना, बाप रे बाप, इतना गुस्सा। अशोक जरा संभल के रहना, कहीं आपकी क्लास न ले ले। अब अशोक ने किसी को कहा था कि कौरव की जैसी लड़कियां उस जैसे लड़कों की दीवानी हो जाती है, उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर जाती हैं। अब इस बात का पता जब कौरव की को लगा तो भाई वो आग बबूला हो गई। क्या कहा, जैसी लड़कियां तुम जैसे जवान लड़कों को पसंद करती हैं। और हल्दी, अब कैसी हल्दी, किसकी हल्दी, इतने गुस्से में भला क्या लगता है आपको कौरव की हल्दी लगवाएगी अशोक के नाम की? जी बिल्कुल, बिकॉज कौरव की और अशोक का उस तरह का अभी एक इक्वेशन चल रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा उनके बीच टिफ होता ही रहता है। सो यस, अब अशोक तो अशोक है, वो जानता है कि कैसे कौरव की को शांत करना है, उसे मनाना है। वो अपना काम बखूबी करेगा, और हम जानते हैं कि कौरव की मान भी जाएगी, और फिर होगी इस शांति से इन दोनों की हल्दी। उससे पहले ये होता है कि उसकी माँ नाराज है, उससे बात नहीं कर रही है, लेकिन अशोक को कहीं ना कहीं पता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं वो सब चीज़ें छीन लूँगा, मैं वो सब चीज़ें उनसे ले लूँगा, और मेरी माँ मुझ पर यकीन करती है। तो इसलिए उसके बाद ये हल्दी की रस्म शूट कर रहे हैं, जिसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अब जब सीरियल की शादी होती है तो हंगामा होता है, ड्रामा आता ही है, ट्विस्ट भी होता है। अब प्रचंड अशोक एक ऐतिहासिक सीरियल है, तो यहाँ पर भी इस शादी वाला ट्विस्ट लाना जरूरी हो गया था, ऐसा हमें लग रहा है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।